वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची लीक होने पर बवाल मच गया है। दरअसल दिल्ली में अचानक एक हाई लेवल की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी में मचे बवाल पर केंद्रीय नेतृत्व ने नाराजगी जताई है। दिल्ली में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया और अब ये नए नाम रहेंगे, तो दूसरी सूची में जो नाम फाइनल किए जा चुके थे उनमें माना जा रहा है कि 10 से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जिन्हें बदला जा सकता है। तो फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पवन साय, अजय जामवाल मौजूद हैं जहां पर बैठक चल रही है। और अब बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि कौन से वो 10 नाम हैं या 10 से ज़्यादा नाम हैं जिन्हें बदला जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक सूची लीक हुई उस सूची के बाद से तमाम विरोधाभास बीजेपी को छत्तीसगढ़ में झेलना पड़ा है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा जुड़ गए हैं। टिकेश, दिल्ली में एक बड़ी बैठक आज हो रही है और ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी की छत्तीसगढ़ में एक दूसरी सूची लीक हुई थी उसके बाद से तमाम विरोध बीजेपी के अंदर देखने को मिला और ये माना जा रहा है कि अब 10 से 12 ऐसे नाम हैं, शायद वो नाम बदले जा सकते हैं, और हाईकमान ने इस सूची लीक होने को लेकर नाराजगी भी जताई है। जी देखिए, निश्चित तौर पर दिनेश, आपको बता दूं कि लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर के बवाल मचा है। सूची लीक होने के बाद लगातार अनेक विधानसभा के जो प्रत्याशी है या फिर दावेदार है उनके खिलाफ लगातार कांग्रेस माफ कीजिएगा प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो बीजेपी नेताओं का वो जमावड़ा लगा हुआ था, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, लगातार इस सूची को लेकर के लगातार विरोध के स्वर दिखाई दे रहे थे। और इस स्वर के बीच हाईकमान का एक बड़ी बैठक कल दिल्ली में हुई। दिल्ली में और नामों पर मंथन किया गया। शीर्ष नेतृत्व ने इस पर नाराजगी भी जताई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से कुछ दिनों से लीक होने के बाद जो स्थिति है वो संभाल पाने में बीजेपी नाकाम हुई है, तो ऐसे में हाईकमान का ये जो कहीं ना कहीं फटकार है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इस फटकार के बाद एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में साफ तौर पर ये निर्णय लिया गया है कि कुछ प्रत्याशियों के नाम है वो बदले जा सकते हैं, और करीबन 10 से अधिक ऐसे प्रत्याशी जिनके नामों पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। और भाई दूसरी ओर बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह के 2 बार छत्तीसगढ़ दौरा हुआ दूसरी लिस्टों को लेकर के, और मोदी के 2 बार का यहाँ पर सभा भी हुआ, उसके बाद भी दूसरी लिस्ट अब तक नहीं आई। लगातार जो चुनाव प्रभारी है वो माथुर और मनसुख मंडाविया वो भी लगातार मंथन करते रहे, और मंथन के बाद निष्कर्ष आया और बैठक हुई। बैठक के बाद जो सूची लीक हुई इसके बाद प्रत्याशियों का जो विरोध प्रदर्शन है, कल भी बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में कुशाभाव ठाकरे परिसर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए थे, तो ऐसे में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे थे और हाईकमान ने इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान लेते हुए कई प्रत्याशियों के नाम में बदलाव किया है। आज भी कुछ नामों पर चर्चा हो सकती, बैठक हो सकती ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी भी जो बीजेपी के जो प्रदेश पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो दिल्ली में डेरा लगाए हुए हैं, तो ऐसे में कभी भी बुलावा आ सकता है और एक और बैठक हो सकती है, और कुछ ही दिन बाद बीजेपी के जो लिस्ट है उसमें देरी बिल्कुल और सुधार के साथ शायद वो लिस्ट भी जारी की जाएगी। हालांकि अब किस तरह से बीजेपी इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करती है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।